नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद एनके पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाज कल्याण विभाग भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 2021 के लिए सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहां पर इस वैकेंसी के लिए खास बात यह है कि अगर आप लोग केवल और केवल 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने भी केवल और केवल 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास कर रखा है और आप भी बेरोजगार हैं, आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि समाज कल्याण विभाग के डिपार्टमेंट से 2021 के लिए भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलेगा, ताकि सरकारी वैकेंसी से संबंधित सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, काफी वैकेंसी, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी सीडीपीओ रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, जहां पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के डिपार्टमेंट से चाइल्ड डेवलपमेंट एवं प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों पर 2021 की भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी बेरोजगार हैं, आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि बिहार समाज कल्याण विभाग के डिपार्टमेंट से 2021 की बम्पर एवं सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं व किस जिले से हैं, ताकि हम आपके राज्य व जिले से संबंधित सभी वैकेंसियों की जानकारी आपको सबसे पहले दे पाए, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, साथ में यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे करना है, साथ में यहाँ पर आपका इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बिना कहीं स्किप किए चले जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। लेकिन उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलेगा, ताकि सरकारी वैकेंसी संबंधित सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए ऑडिशन नेम के बारे में। तो यहाँ पर बिहार समाज कल्याण विभाग के डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी होने जा रही है, जहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एवं प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती होने जा रही है, जहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई मोड के बारे में। तो ऑनलाइन कर रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको बिहार समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए जॉब लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर बिहार का रहने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए हु कैन अप्लाई। तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैन अप्लाई कर पाएंगे, आपसे भारत के किसी राज्य में रहते होंगे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये, बाकी
की सभी कैटेगरी के लिए ₹150 एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पेमेंट मोड के बारे में, तो यहाँ पर आपको इसका पेमेंट ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको इसका पेमेंट करना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 21 से 37 वर्ष के बीच होगी तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। वहीं एज में छूट की बात की जाए तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर SST के लिए 5 वर्ष की तथा OBC के लिए 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम एवं इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है ₹53,100 से लेकर ₹1,67,100 पर मंथ की। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी साथ में, एजुकेशन सर्टिफिकेट साथ में, पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ में, कास्ट सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। सो फ्रेंड्स काफी अच्छी वैकेंसी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट डिप्लोमा पास हैं और आप भी बेरोजगार हैं, आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कर लें। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी व वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूले। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना न भूलिएगा ताकि सरकारी वैकेंसी संबंधित सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना पाए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।